क्वेश्चन का स्टेटमेंट है फाइन इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको इंटरवल फाइंड करने हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x के, जहां पे x का रेंज है 0 से पाई बाय 2 क्लोज में, जिसमें हमारा फंक्शन इंटरवल इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू है साइन 3x, x belongs to close 0 से पाई बाई 2। आपने इसका डेरिवेटिव किया तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, एफ डैश x की वैल्यू आएगी साइन का cos 3x इंटू में 3। ठीक है, 3x एंगल का होगा डेरिवेटिव 3। अब हम पुट करेंगे एफ डैश x को इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए। तो 3 cos 3x इज इक्वल टू आएगा 0 और यहाँ से cos 3x इज इक्वल टू 0। अब cos हमारा 0 कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब 3x में भी पाई बाई 2 हो सकता है, 3 पाई बाई 2 हो सकता है, उसके आगे तो हमें 5 पाई बाई 2 भी लिख सकता है, मगर फ़ायदा नहीं क्योंकि जो हमारा रेंज है वो 0 से पाई बाई 2 है, तो उसके बीच में ही रहेंगे x की। तो यहाँ से x क्या आ गया, 3 को डिवाइड में लिखे जाएंगे तो पाई बाई 6 और पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे पाई बाई 6 पाई बाई 2 दोनों ही वैल्यू हमारी क्या है, बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 है। ठीक है, मगर पाई बाय 2 तो एकदम लास्ट वैल्यू है, तो इसलिए वो ब्रेक नहीं हो पाएगी इंटरवल्स में, तो इसलिए पाई बाय 6 से हम लोग इंटरवल ब्रेक करेंगे। ठीक है जी, तो ए पार्ट है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स होता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा 3 cos 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम अपने नंबर लाइन पिन को प्लॉट करते हैं। आपको जो इंटरवल्स दे रखे हैं 0 टू पाई बाय 2 दोनों इंक्लूड है। ठीक है, आप पाई बाय 6 मैंने यहाँ बनाया पाई बाय 6। ठीक है, अब अगर मैं पाई बाय 6 यहाँ पुट करता हूँ तो आएगा पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 इक्वल टू 0 होता है, मतलब पाई बाय 6 क्या है, इंक्लूड है। ठीक है जी, अब 0 से पाई बाय 6 के बीच में चेक करना है कॉस 3x क्या होगा। अब देखो कैसे चेक करेंगे भाई, आपको पता है कि x लाई कर रहा है 0 से पाई बाय 6, तो 3x लाई करेगा 0 से पाई बाई 2। अब 0 से पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कॉस होता है पॉजिटिव। ठीक है जी, इसी तरीके से इस वाले इंटरवल को चेक करते हैं, x लाई कर रहा है पाई बाई 6 से पाई बाई 2, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, तो 90 से 3 पाई बाई 2, 90 से 3 पाई बाई 2 समझते हो, ये आपका 90 और ये 3 पाई बाई 2, मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड और थर्ड में कॉस होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव। ठीक है जी, तो इंक्रीजिंग के लिए आपका आंसर आ जाएगा 0 से पाई बाय 6, तो x बिलोंग्स टू हो गया क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाय 6, क्योंकि इसमें सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला, इसलिए हम क्लोज लगाएंगे। और बी पार्ट है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, तो उसके लिए आपका इंटरवल हो जाएगा पाई बाय 6 से पाई बाय 2, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल पाई बाय 6 से पाई बाय 2। ठीक है जी, ये इसका आंसर है, क्लियर है।